हेलो गाइस, फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ। और मनाली आए और आपने मॉल रोड नहीं देखा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको मैं घर बैठे दिखाऊंगा मॉल रोड, दिखाऊंगा वहाँ पे खाने पीने की क्या क्या चीज़ें मिलती है और क्या क्या आप खरीद सकते हैं, सब कुछ। तो चलते हैं मॉल रोड, आपको मिलता हूँ मैं मॉल रोड में जाके, जो कि मनाली के अंदर काफ़ी फेमस मार्केट है और आपको होटल्स वगैरह सब कुछ वहाँ मिलेगी। तो मैं जा रहा हूँ, होटल से निकल चुका हूँ, मैंने भी मॉल रोड पर होटल लिए। तो लो जी, हम आ चुके हैं मॉल रोड और ये देख सकते हो खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे मॉल रोड के अंदर। तो ये क्या है भैया? ये तो नॉन वेज है। तो जो वही नॉन वेज वगैरह खाते हैं वो उनके लिए तो बेस्ट जगह है ये। तो लो जी, देख लो मॉल रोड की भीड़। और गाइस, अभी हम आगे जाएंगे तो हमें एक ग्लव्स चाहिए, तो ये ग्लव्स है हम यहाँ से लेंगे, ये 150 रुपये का है। क्या हमें पसंद नहीं आ रहा क्या? और ये देखो खाने पीने के कितने सारे स्टॉल्स वगैरह हैं यहाँ पे, ये तो रेस्टोरेंट ही है। ये देखो ये लो जी, अगर स्वीट्स खाने के शौकीन हो तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, गर्मा गर्म जलेबी, गुलाब जामुन, हलवा और ये दूध। हाँ भाई, आइसक्रीम भी खा सकते हो, आइसक्रीम भी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो ये खा रहे आइसक्रीम, आइसक्रीम भी खा सकते हो। तो मैं तो भैया खाना खाऊंगा, खाने की बहुत ज़्यादा भूख लग रही है क्योंकि मैगी खा कर काम चलाना पड़ा दिन में। तो अच्छा, जूस पीना चाहते हो? चलो जूस पिलवाता हूँ तुम्हें। जूस की मैंने स्टॉल भी आपको बता दी, सब कुछ मिलेगा भी यहाँ पे, जूस वगैरह। मेरे व्यूअर्स बोल रहे हैं जूस पीना है, तो जूस की भी स्टॉल बता दी। और क्या खाना है आपको? हाँ, वो 8 बजे के बाद वाला भी हिसाब यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग उसके भी शौकीन है तो वो तो बहुत है यहाँ पे, वो भी मिल जाएगी। हाँ, तो हमारे राजस्थान के भाई है, उनको 8 बजे के बाद बोलते हुए समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और देखो, जैसे हमारे माउंट आबू में सैटरडे संडे को गुजरातियों की भीड़ पड़ती है, वैसे ही यहाँ पे मनाली के अंदर सैटरडे संडे को पंजाबियों की भीड़ पड़ती है। कोई भी छुट्टी का दिन होता है तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। लो जी, बच्चों के लिए टॉय वगैरह भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ओ मंदिर, माँ दुर्गा माता का मंदिर। ये देखो भैया, ये ऊपर देखो लाइव बैंड चल रहा है। अरे भैया, इसको कहाँ से पकड़ के लाए? मैंने कहा जी 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 रोड बहुत अच्छा अंकल जी का है क्या? अच्छा, गिफ्ट दिया क्या? यूट्यूबर हो आप? हाँ जी। कौन सा चैनल है आपका? माय ट्रैवलिंग डायरी। माय ट्रैवलिंग डायरी। हाँ, लो जी चलते हैं आगे। अब देखो, मॉल रोड से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे घूम के कहाँ पे जाओगे? मुझे भी नहीं पता कहाँ जाओगे। हेलो, कौन बोला भाई? हेलो 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 हाँ जी, बैग वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। ये देखो बैग्स वगैरह, की चेन्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो भैया, मेरे को तो भूख लग रही है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कोई रेस्टोरेंट जिसमें वेज खाना मिल जाए। देखते हैं, कल जो खाना खाया था वो तो बहुत ही घटिया था।
होटल्स की तो इतनी भरमार है यहाँ पे भाई, खतरनाक है भाई साहब। बैग देखो क्या तगड़ा बैग है ये, टाइगर वाला बैग, यहाँ पे लोयन वाला बैग। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनवीर। मनवीर, मनवीर फ्रॉम पंजाब। यस। तो हमारा ब्लॉग देखना माई ट्रैवलिंग डायरी के नाम से। ओके, ठीक है, बाय। हाँ जी सर, कैसे हैं? तो गाइस मुझे सर मिले हैं पंजाब से, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल बठिंडा। बठिंडा से हम, बठिंडा से आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे मेरे जो नॉन है उनका सब्सक्राइबर मिला है मिस्टर इंडियन हैकर का, तो मिस्टर इंडियन हैकर को क्या बोलना चाहोगे? मिस्टर इंडियन हैकर बहुत अच्छे यूट्यूबर है, उसकी मैं सारी वीडियो देखता हूँ। अच्छा, उनकी सारी देखते हो, अब हमारी भी देखना माई ट्रैवलिंग डायरी के नाम से। भैया आपका क्या नाम बताया? मेरा अनमोल है जी। अनमोल जी बठिंडा से। बठिंडा से, तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है होटल के बाहर? अच्छा ये कुछ भाई बने हुए हैं, इनके साथ फोटोज वगैरह ले रहे हैं भाई। तो ये भी आर्टिस्ट होते हैं, काफी टैलेंटेड होते हैं ये लोग भी। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल है। तो स्पेशली जो नाइट का जो यहाँ का माहौल है बहुत अच्छा है। 12 बजे बाद जो भी शॉप वगैरह है सब कुछ बंद हो जाता है, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता है। यानी कि 12 बजे पहले पहले आपको पहुँचना है और मॉल रोड घूमना है। मॉल रोड पे आपके जो फोटोज़ वगैरह का भी ध्यान रखा गया है। ये तो पूरा हो गया मॉल रोड है, ये पूरा हम घूम के आए हैं अभी। अब देखिए फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कराना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा सकते हो। ये जो है ये हिमाचल का ट्रेडिशनल ड्रेसेस है, और लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जो हिमाचल के ट्रेडिशनल, जैसे हमारे राजस्थान का एक घूमर नृत्य है, जैसे हिमाचल का ट्रेडिशनल नृत्य है जो गाजे बाजे के साथ में होता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे फोटोज़ वगैरह आप लोग क्लिक करवा सकते हैं। साथ में ये लिखा हुआ है आई लव मनाली, तो यहाँ पे भी आप सेल्फी वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो। तो मॉल रोड पे गई आपको पान भी मिल जाएगा, बनारसी पान सही से बनाइए भाई। देखो सुंदर वाला है। अरे सुंदर, ये तो ऐसा लग रहा है कि गुलाब की तरह, लाल गुलाब की तरह। तो गाइस आप मॉल रोड घूम रहे हैं और आप घूमते घूमते थक चुके हो, तो पैरों की मालिश करवाने के लिए यहाँ पे भी लोग हैं। ये देखो पैरों की मालिश कर रहे हैं। जब ये थक गए हो गया मॉल रोड घूमते घूमते यार? नहीं नहीं, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई को, मालिश कर रहे हैं, ओके मसाज, गुड मसाज कर रहे हैं, हिमाचल के अंदर अच्छी वाली। अच्छा यार, घूमते घूमते थक चुके हो, दिन भर की थकान उतारनी है, तो ये मालिश वगैरह भी करवा सकते हो। हिमाचल के अंदर आओ, मसाज कराओ, गुड मसाज। हाँ ये भाई आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेंगे और सुबह सुबह आपके होटल के बाहर। तो गाइस ये थी हमारी मॉल रोड की वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा मॉल रोड घुमाया है और हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारा मॉल रोड का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हमारा ब्लॉग तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।